हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपनी मांगों को लेकर अलग अलग संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में रोडवेज कर्मी 25 और 26 जुलाई को चक्का जाम हड़ताल करेंगे। इस दौरान रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिलने पर रोष जताया। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का ना तो साप्ताहिक अवकाश मिल रहा है और ना ही ओवरटाइम का भुगतान दिया जा रहा है। रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही। इस चक्का जाम आंदोलन में रोडवेज की 3 समिति भाग लेगी, लेकिन मजदूर संघ इस चक्का जाम आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे। रोडवेज कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलने और पंजाब के ठेकेदार से महंगे दाम पर अनुबंधित बसें लेकर रोडवेज को घाटे में डूबने से बचाने जैसी मांगों को लेकर 25-26 जुलाई को 2 दिन का चक्का जाम हड़ताल करेंगे। इसके लिए रोडवेज के MD और चेयरमैन के साथ सरकार को हड़ताल से पहले 10 पेज का अल्टीमेटम दिया गया है। रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम से पहले धरने, प्रदर्शन और रैलियां निकालकर रोष जताएंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारियों की। इस चक्का जाम कार्यक्रम से 2 दिन तक राजस्थान में सीधा असर देखा जाएगा। अगर सरकार इनकी मांगों को मान लेती है तो चक्का जाम का विरोध टल सकता है, वरना इस विरोध प्रदर्शन की मार सीधी आम जनता पर होगी। देखना यह है कि राजस्थान सरकार इस धरना प्रदर्शन को कैसे हल करती है। इस प्रदर्शन में रोडवेज की 3 संस्था शामिल है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि इस 25 और 26 जुलाई को पूरे राजस्थान की रोडवेज बस चक्का जाम रहेगी। अगर सरकार मांग नहीं मानी तो ये हड़ताल लंबी चल सकती है। चक्का जाम होगा 25 तारीख को, क्या होगा रोडवेज का चक्का जाम होगा 25 तारीख को, क्या होगा रोडवेज का चक्का जाम होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सुन रहा सरकार। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।